निरीक्षण स्पेशल ट्रेन से इटावा पहुंचे प्रयागराज झांसी और आगरा मंडल के जीएम प्रमोद कुमार और डीआरएम मोहित चंद्रा के साथ कई अधिकारियों ने इटावा स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कई सारे मुद्दों को लेकर जीएम को इटावा के रामनगर फाटक मैनपुरी अंडरब्रिज की समस्या से ज्ञापन दिया। व्यापार मंडल के लोगों ने भी अपनी समस्याओं को रखते हुए जीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जीएम ने निरीक्षण के दौरान वेटिंग रूम को लेकर मेंटेनेंस अधिकारी को फटकार भी लगाई है। चुनते हैं और उसको पहले से बताते हैं कि ये सेक्शन है जिसका निरीक्षण होगा, ताकि वहाँ पर कार्यरत सारे कर्मचारियों को, वहाँ के अधिकारियों को मालूम रहता है कि क्या कार्य करने हैं, उनको पहले से इनपुट दिया जा सके सेक्शन में और सेक्शन को तैयार किया जा सके अच्छे से स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जा सके, तो उस तरह पूरा सेक्शन तैयार होता है। इस बार हम लोगों ने कानपुर से लेकर टूंडला तक का सेक्शन दिया था जिसका निरीक्षण हो रहा है। अभी इटावा का निरीक्षण बाकी है। यहाँ सबसे पहले तो क्योंकि सांसद साहब ऑलरेडी यहाँ पर थे, उनसे पहले मिलना था, तो हम आ गए हैं और ऑलरेडी काफ़ी सारी चर्चा जो आप लोगों को ऑलरेडी उन्होंने बताया हमने किया है। हमारी जो डिफरेंट टीम्स हैं, डिफरेंट विभागाध्यक्ष हैं, वो अपनी टीम के साथ विभिन्न जो हमारे कार्य हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। बाकी मुझे और यहाँ पर कॉलोनी में और स्टेशन के पैसेंजर मिट्टीज के वर्क्स को देखने के लिए जा। सर, यहाँ पर समस्याओं को लेकर के आपने रेलवे के जीएम को एक दिया गया। देखिए, इटावा में आज जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसके जीएम साहब इलाहाबाद से यहाँ पर आए हैं, डीआरएम साहब आए हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हमारे साथ हैं, व्यापार मंडल के सभी लोग यहाँ पर हैं और जीएम साहब से मांग की है कि यहाँ पर जो है हमारा जो स्टेशन है, ये ऐतिहासिक स्टेशन है, इसको और व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पर लंबे समय से एक मांग हो रही है कि पुराना जो हमारा ओवर ब्रिज है जो स्टेशन पर है इसको एक और बनाया जाए। इसके साथ साथ यहाँ स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई जाएँ, लिफ्ट बना लगाए जाए और इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ी मांग है रामनगर फाटक पर जो इसको बोलते हैं फ्लाईओवर बनना है उसका विषय है। और एक विषय ये है कि जो हम मैनपुरी फाटक मैनपुरी रोड पर जाते हैं तो जो अंडरपास बना है जिसमें पानी भरता है उसको टीन से कवर किया जाए। इसी के साथ साथ कुछ ट्रेनों का विस्तार के संदर्भ में भी बातचीत हुई है, जैसे जो कानपुर से पैसेंजर चलती है फफूंद रुक जाती है, आगरा से चलती है वो इटावा रुक जाती है, इन ट्रेनों को दोनों को आगे बढ़ाने की बात है। आगरा वाली फफूंद तक जाएगी, कानपुर वाली इटावा तक आएगी, दो चार दिन में जीएम साहब ने कहा है कि उसको हम आगे उसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा कई और पैसेंजर हैं जो रुकी पड़ी हैं, उनको व्यवस्थित रूप से चलाने की बात हम लोगों ने मांग की है और इसके साथ साथ भरथना में भी कई ट्रेनें रोकी गई हैं, उनके संदर्भ में भी व्यापारियों ने भी बात की है, हम लोगों ने भी बात रखी है। इसके अलावा जो भोपाल से ट्रेन आती है और वो भिंड तक रुक जाती है उसको एक्सटेंशन इटावा तक करने की बात कही है, जीएम साहब ने उस पर अपना कहा है कि हम अध्ययन करा के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो एक सियालदा वाला विषय आया था वो भी उसको ट्रेन को विस्तार करने की बात है। तो कई ऐसी समस्याएं थी जो जनता से जुड़ी हुई थी, व्यापारियों से जुड़ी हुई थी, उन सारी समस्याओं के संदर्भ में डीआरएम साहब से और जीएम साहब से आज हम लोगों ने विस्तार से मांग की है और बातचीत की है, अनुरोध भी किया है कि ये हमारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी इसका जो है समाधान किया जाए। जीएम साहब ने क्या संबंध दिया है।